अजमेर के अराई पुलिस थाने में गुरुवार को हुई कार्यवाही में एसीबी की टीम ने रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार थानेदार को लेकर आवास पर पहुंची, जहां सीआई पारस पवार के नेतृत्व में टीम ने सरकारी क्वार्टर की तलाशी ली, जहां एसीबी के थानेदार के सरकारी आवास से करीब 2,20,600 रुपए की नकदी मिली है। सीआई पारस पवार ने बताया कि थानेदार से गहनता से पूछताछ भी की जा रही है। अजमेर एंटी करप्शन ब्यूरो स्पेशल यूनिट ने अराई थाने के थानेदार श्री रामलाल को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए तो गिरफ्तार किया था। इस संबंध में आज एसीबी टीम द्वारा अराई स्थित थानेदार जी के जो राजकीय आवास है उसके आवास की तलाशी ली गई थी। उस तलाशी के अंदर 2,20,600 रुपये की नगद राशि मिली है। इसके संबंध में जिस राशि को जब्त किया जा चुका है और इस संबंध में गहनता से एसीबी अनुसंधान करेगी।